तो गाइस WTC में मिली करारी हार के बाद लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अब रोहित शर्मा को ODI वर्ल्ड कप में कप्तान के रूप में नहीं दिखाना चाहिए। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, लोगों का ये कहना है कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी बहुत खराब चल रही है, इसीलिए हम कप्तान के रूप में रोहित शर्मा को नहीं देखना चाहते हैं। और फिर गाइस, ESPN में हुए इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने ODI वर्ल्ड कप के बारे में बात की। और फिर गाइस, ESPN के इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने एक ऐसा बात कह दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वैसे तो गाइस, अभी रोहित शर्मा सवालों से बचते बचाते नजर आ रहे हैं। गाइस, WTC में मिली करारी हार के बाद रोहित शर्मा के चारों तरफ सवाल मंडराने लगे हैं। और फिर गाइस, इसी बात को लेकर जब ESPN ने रोहित शर्मा से सवाल पूछा तो रोहित शर्मा ने कुछ ये कहा। फिर गाइस, रोहित शर्मा ने कहा कि हमने ढेरों टूर्नामेंट खेले हैं, लेकिन ODI के लिए जो हमारी तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा में अभी भी ODI वर्ल्ड कप दिलाने की क्षमता है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताना।